Okay, 3.6, question number 2. Factorize the following polynomials. Question number 1 में simple polynomials थे. अब यहाँ पे देखो क्या है. First polynomial is x square minus x the whole bracket square minus 8 into x square minus x plus 12. क्या देखो यहाँ पे x square minus x the whole bracket square minus 8 into x square minus x plus 12. इसको factorize करना है. तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों सेम है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये टर्म दोनों सेम है, राइट. सो लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एम, उसके लिए हमने क्या किया, एम से डिनोट किया. तो हमारा नया पॉलीनोमियल क्या बनता है, एम स्क्वायर माइनस एट एम प्लस 12. व्हाट इज न्यू पॉलीनोमियल, एम स्क्वायर माइनस एट एम प्लस 12. अब 12 को ऐसे एक्सपांड करना है कि प्लस करने पर 8 आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 12 आनी चाहिए. ओके, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 8 और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 12. 6 टू द 12, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8. सो m स्क्वायर माइनस 6 है माइनस 2m प्लस 12. m कॉमन m माइनस 6, माइनस 2 कॉमन m माइनस 6. सो m माइनस 6 m माइनस 2, ओके ये फैक्टर्स है. लेकिन m इज नॉट रियल वैल्यू, m is not real value. So restructure m is equal to x square minus x. हमें क्या find करना है, x square minus x, right? So x square minus x minus 6, x square minus x minus 2. अब इसको वापस factorize करो, अगर ये whole है तो इसको वापस factorize करो, minus 6, minus 6 को कैसे factorize किया, minus 3 to the minus 6, minus 3 plus 2 minus 1. So x square minus 3x plus 2x plus 6. अगर इसमें x कॉमन x प्लस 3, 2 कॉमन x माइनस, सॉरी x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 x प्लस 2, इसका फैक्टराइजेशन हुआ. अब इसका फैक्टराइजेशन करो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2. ओके, 2 वन जा 2, 2 माइनस 1 2. सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे x कॉमन x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन x माइनस 2, सो x माइनस 2 x प्लस 1. ओके, ये क्या इसके फैक्टर्स है, ये क्या इसके वापस अलग अलग से फैक्टर्स मिले हम लोग को. ओके, अब इसके सारे ब्रैकेट जो है, ओके बिग ब्रैकेट जो है बिग ब्रैकेट्स निकाल दो, तो बचेगा क्या, x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 1. समझ में, ये क्या इसके फैक्टर्स है, इसके फैक्टर्स क्या थे, फाइनल x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 2 और x प्लस 1. आया समझ में, ओके. इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, x माइनस 5 का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस 24. सो x माइनस 5, यहाँ पे 5 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 5. सी 5x माइनस 25 ना, 5 यहाँ पे माइनस 5 ब्रैकेट से बाहर दे तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 5 माइनस 24. लेट x माइनस 5 इक्वल टू m, जैसे यहाँ पर m रहता है यहाँ पर तुम m भी ले सकते हो, n भी ले सकते हो, x ले सकते हो, x ऑलरेडी यहाँ पे है. सो न्यू पॉलीनोमियल इज m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 24, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 24. सो अभी देखो 24 माइनस 24 को कैसे एक्सपांड किया है, माइनस 3 माइनस 8 है 3, माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24, माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5. सो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 3n माइनस 24, क्या आया, n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3n माइनस 24. नाउ n कॉमन ब्रैकेट में आएगा n माइनस 8, 3 कॉमन n माइनस 8, 3 इंटू n 3n 3 8 जा 24. सो n माइनस 8 n प्लस 3, ये क्या है, इसके फैक्टर्स है, n स्क्वायर माइनस 5 माइनस 24. रीसब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू x माइनस 5, n की वैल्यू क्या है, x माइनस 5. उसको रीसब्स्टिट्यूट किया तो क्या आया, x माइनस 5 माइनस 8 x माइनस 5 प्लस 3, ये कांस्टेंट है, माइनस 5 माइनस 8 माइनस 13, x माइनस 5 माइनस 8 माइनस 13, x माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2. तो इसके फाइनल फैक्टर्स क्या आते हैं, x माइनस 13 x माइनस 2, क्या आया, x minus 13 and x minus 2 are the factors. As a moment, write up.